नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश दिया है, अब दवा की पर्ची दिखाने पर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा और इससे जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको बड़ी राहत मिलेगी। तो ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए है जो कोरोना से संक्रमित हैं और अपने अपने घरों में आइसोलेट हैं या फिर होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को अब ऑक्सीजन के सिलेंडर मिलने में दिक्कत नहीं होगी, उनको अब ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए बस डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उनको पर्ची दिखानी होगी दवा की, और अगर उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का जिक्र है, डॉक्टर्स ने अगर आपको प्रिस्क्राइब किया है कि आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, तब आपको ये ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो मुहैया करवाया जाएगा। तो एक बड़ी राहत उन लोगों को है जो उनकी ये शिकायत थी कि वो होम आइसोलेशन में है और काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद उनको सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर एक बड़ा आदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया है और विशेष तौर पर जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेट होकर अपना इलाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। आम लोगों की सुविधा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। एस के वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एस के वाजपेयी, एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके घर में संक्रमण का मामला है और घर में ही आइसोलेशन में उनका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए ये शासनादेश जारी किया और ये शासनादेश कर्नाटक सरकार के जो शासनादेश है उस पर बेस्ड है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि जो भी विभिन्न अस्पतालों के प्राचार्य हैं या वहां के निदेशक हैं उनको यह निर्देशित किया कि कहीं भी ऑक्सीजन की कोई भी लीकेज या किसी तरीके से डैमेज से ऑक्सीजन बर्बाद ना हो, किस मरीज को किस अनुपात में ऑक्सीजन देनी है उसको लेकर भी गाइडलाइन का फॉलो किया जाए और साथ ही साथ में जो मरीज घर में अपना इलाज होम क्वारंटीन होकर कर रहे हैं ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए पुलिस और साथ ही साथ में कोविड डॉक्टर जो कि उसका इलाज कर रहा होगा उसके प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होगी और उसके बाद उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था की है ताकि जिन मरीजों को वास्तव में ऑक्सीजन की जरूरत है उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो, जो होम क्वारंटीन में रहकर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं उन तक भी ऑक्सीजन पहुंचे। हालांकि ये प्रक्रिया करानी होगी जिसमें कोविड डॉक्टर और साथ ही साथ पुलिस की सहमति लेनी जरूरी होगी, जिसके बाद प्लांट से उनको ऑक्सीजन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे अस्पताल से लेके होम क्वारंटीन तक लोगों के पास ऑक्सीजन पहुंच सकेगी। चलिए, तो ये हालांकि शासन की ओर से आदेश तो कई सारे दिया गया है, लेकिन इसके बाद भाई एक रियलिटी ये भी है कि जो मुख्यमंत्री या फिर सचिव स्तर पर आदेश पारित होते हैं ग्राउंड में उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बड़ी शिकायतें उत्तर प्रदेश में, तो इस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन हो इसको लेकर क्या कुछ कोशिश हो रही है? बिल्कुल, इसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन ये अगर हम देखें तो राजधानी लखनऊ में दो को तैनात किया गया है जो सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, साथ ही साथ दूसरा अफसर शाम 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक लगातार 24 घंटे की निगरानी में रहेंगे, जिसमें यह देखने की कोशिश होगी कि ऑक्सीजन प्लांट से किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन दे, किसको वास्तव में जरूरत थी, जहां पर तत्काल इसको पहुंचाया जाए, साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन में लोग हैं जिस तरीके का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है उसके तहत उनको ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर वो लगातार मॉनिटर करेंगे। ये कोविड जो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर होगा वहां पर बैठेंगे, तो लखनऊ जहां सबसे ज्यादा समस्या और सबसे ज्यादा संक्रमित इस समय राजधानी लखनऊ में है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने वो कोशिश की है जिससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की समस्या को काफी हद तक पूरा किया जाए। और जहां तक अगर हम देखें कि जो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, निश्चित ही अभी भी ये आसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो मरीज होम आइसोलेशन में होंगे उनके तीमारदारों को सबसे पहले आवश्यकता होगी कि वो किसी कोविड डॉक्टर से अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन का पेपर लेटर बनवाए जिसके साथ पुलिस उसको अप्रूव करे, तब ये ऑक्सीजन उनको प्लांट से मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया है जो पूरी करनी होगी जो भी मरीज है उनके परिजनों को। अब देखना ये है कि जब अब ये लागू कर दिया गया है तो किस तरीके से इस समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की तरफ से किया जाता है। जी चलिए, एस के वाजपेयी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,055 नए केस उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। इस दौरान 223 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम नहीं हो रहे। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश
में और 223 लोगों ने इस दौरान जान गंवाई। प्रदेश में कुल 2,88,144 इस वक्त एक्टिव केस हैं। अब तक 10,959 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो ये संक्रमण उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि संक्रमण के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे। 38,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हैं। और चलिए आपको हम बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में कितने मामले आए। सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ है, 5,461 नए केस आए हैं, 42 लोगों की जान गई है। वाराणसी में 2,786 नए केस आए हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 2,044 नए मामले आए हैं, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज में 1,468 नए केस आए हैं, 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं बात मेरठ की करें तो मेरठ में 1,745 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए। गाजियाबाद में 585 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 10 लोगों की जान गई है। गोरखपुर में 1,344 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बरेली में 1,024 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। मुरादाबाद में आंकड़ा 1,351 का है। गौतम बुद्ध नगर में 970 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत इस दौरान हुई है। झांसी में आंकड़ा 955 का है। मुजफ्फरनगर में 487 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। आगरा में 400 नए केस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं जौनपुर में 732 नए केस सामने आए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों का हाल है कि कहां पर कितने मामले आए। सबसे ज्यादा जो प्रभावित जिला है वो खुद राजधानी लखनऊ है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। बरेली में जिला अस्पताल से मरीज को एम्बुलेंस ही नहीं मिली है। बेटी को मृतक ई रिक्शा पर बेटी को लेकर गई है जिला अस्पताल का ही मामला है। एम्बुलेंस ही नहीं मिला है, बेटी अपनी मां को ई रिक्शा पर ले जाने को मजबूर हो गई है। कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद महिला को तेज बुखार आया था, उसके बाद महिला की हालत नाजुक हो गई। अब बेटी अपनी मां को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गई थी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। बेटी ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, कई बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस कर्मियों ने जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद ई रिक्शा के जरिए अपनी मृतक मां को ले जाने पर वो मजबूर हुई है। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत हो रही है। कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट की मरम्मत कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन का यहां पर जल्द से जल्द ये प्लांट चालू हो। इसको लेकर जद्दोजहद की जा रही है। शाम तक इस प्लांट को चालू करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर एक कवायद हो रही है। कुछ तकनीकी खराबी इस प्लांट में आई थी, जिसको दुरुस्त करने की इस वक्त कोशिश चल रही है। और जब ये कार्रवाई हो रही है, जब इसे दुरुस्त करने की कार्रवाई चल रही है, दौरान जो जिले के सीएमओ हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव, वो खुद मौके पर मौजूद थे। जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर PP पांडे भी मौजूद थे। अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसको लेकर इस प्लांट में जो दिक्कत आई है उसको दुरुस्त करने की कवायद चल रही है। 30 बड़े सिलेंडर और 35 आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। खुद मौके पर जिले के CMO भी मौजूद थे, क्योंकि उनको पता है इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर कितनी जद्दोजहद चल रही है। सीतापुर में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मांगलिक कार्यक्रम में खुलेआम कानून की धज्जी उड़ रही है। सीतापुर का मामला है, जहां पर कोविड के प्रोटोकॉल की मांगलिक कार्यक्रम में खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं का अश्लील डांस करवाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। और सीतापुर के थानगांव क्षेत्र के राजपुर का ये मामला है। आप तस्वीरें देखिए, बच्चे बुजुर्ग सब मौके पर मौजूद हैं।
कोरोना लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में एक तरफ नए संक्रमितों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं रिकवर होने वाले मरीजों में भी शनिवार को रिकॉर्ड बना। एक दिन में 2,20,000 से ज्यादा संक्रमित लोग रिकवर हुए, ये एक बड़ी राहत की खबर है। दिन बीतते जा रहे हैं और कोरोना भी अपने तेज चाल से पूरी रॉ में चलता ही जा रहा है। तीन दिन से लगातार हाल ये है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,00,000 के पार चला जा रहा है। शनिवार को तो ये आंकड़ा 3,45,000 के करीब पहुंच गया। गौरतलब है कि किसी भी देश में मिले नए मरीजों के मिले आंकड़ों से ये बड़ा आंकड़ा है। इसके पहले अमेरिका में एक दिन में 3,13,000 का आंकड़ा आया था। वहीं तमाम खराब खबरों के बीच एक राहत की खबर है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में एक दिन के अंदर 111.20% का इजाफा हुआ है। शुक्रवार को 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए हैं। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले गुरुवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए। बुधवार को 1,92,000 लोग रिकवर हुए थे। हालांकि चिंता की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों के मिलने की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को देश में रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले। पिछले साल से लेकर अब तक किसी देश में एक दिन में मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। शुक्रवार को 2,620 लोगों की संक्रमण से मौत भी हो गई। एक दिन में हुए मौतों का ये नया रिकॉर्ड है। देश में कोरोना के आंकड़ों में भले ही काफी तेजी देखने को मिली हो, लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो अभी भारत काफी अच्छी स्थिति में है। इस मामले में हम दुनिया में 119वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 10 लाख की आबादी में 11,936 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और 136 लोगों की मौत हो रही है। इतनी ही आबादी में अमेरिका में 98,000, बहरीन में 96,000, इसराइल में 91,000, फ्रांस में 83,000, बेल्जियम में 82,000, स्पेन में 74,000, ब्राजील में 66,000 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। यहाँ आबादी के हिसाब से मौत के आंकड़े भी काफी अधिक है। इससे साफ है कि भारत में अभी संक्रमण काफी काबू में है। अगर थोड़ी सावधानी और सतर्कता रखे तो इसे और कम किया जा सकता है। वैक्सीनेशन की तेजी से कोरोना संक्रमण को रोकने में जल्दी सफलता मिलेगी। वहीं मास्क और 2 गज की दूरी का महामंत्र अपनाना होगा, जिससे कोरोना को काबू करने में जल्द सफलता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। नोएडा से खबर है। नोएडा जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन भी अब सख्त हो गया है। तो जिले में जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रशासन सख्त हुआ है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने आज कोविड अस्पतालों का दौरा किया है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से खुद जिलाधिकारी ने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। इसके अलावा इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सों से भी डीएम ने मुलाकात करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। जिलाधिकारी ने कोरोना वॉरियर्स की सेवाओं के लिए उनको धन्यवाद दिया है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रशासन एक और जहां सख्ती बरत रहा है, वहीं खुद जिले के जो डीएम है वो खुद आज कई अस्पतालों का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मरीजों का उन्होंने हालचाल जाना और जो कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया और उनको दिशा निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ते आगे, अयोध्या से अगली खबर है। महापौर ने नगर निगम की भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने नगर विकास मंत्री को इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है। अयोध्या नगर निगम में भ्रष्टाचार की पोल खुद मेयर ने खोली है और इसको लेकर नगर विकास मंत्री को एक चिट्ठी लिखी गई है। नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप मेयर ने लगाए हैं और जो उनकी कंप्लेंट की कॉपी है वो न्यूज वन इंडिया के पास मौजूद है।
ऋषिकेश उपाध्याय ने निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अयोध्या में वार्डों में कोई काम नहीं कराया जा रहा, सैनिटाइजेशन का काम नहीं हो रहा है। बैकुंठ धाम और जमथरा में दाह संस्कार में लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की जा रही है। अपर नगर आयुक्त सच्चिदानंद सिंह पर उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। ये विभागीय पत्राचार होते रहते हैं, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है इस समय विकराल रूप ले ली है। चूँकि हमारे नगर आयुक्त विशाल सिंह जी, चूँकि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो दिल्ली में एडमिट थे, वो स्वयं भी कोरोना पॉजिटिव हैं, आइसोलेट हैं, इस नाते यहाँ पर व्यवस्थाएं कुछ चरमरा गई थी। मैंने कई बार प्रयास किया, क्योंकि हरिद्वार का जो कुंभ है वहाँ से संत लौट रहे हैं अयोध्या, और 41 गांव हमारे बढ़ गए हैं, तो जो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइज होना चाहिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी। संतों के भी बहुत फोन आ रहे थे, बहुत नाराजगी थी लोगों की। इस नाते मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था बढ़ाई जाए और यहाँ की व्यवस्था सुधारी जाए। इसलिए भ्रष्टाचार की बात कही है, किस तरीके के भ्रष्टाचार अभी फिलहाल खत्म नहीं है? नहीं, संवेदनहीनता है कि अब मैंने बताया ना कि सैनिटाइजेशन हो, या हमारे अयोध्या में कई 20 जिलों से आते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़कर अयोध्या नगर निगम की जिम्मेदारी हम सब बढ़े हुए हैं, हम सब काम भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। देश में ऑक्सीजन की कमी से बड़ी संख्या में लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है कि योग के जरिए शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। तो कौन कौन सा योग कोरोना के मरीजों के लिए फायदेमंद है, आइए आपको दिखाते हैं। कोरोना से खतरनाक होते हालात में देश भर में ऑक्सीजन कमी से मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है, और ऐसे में अब केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मरीजों को शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए पेट के बल लेटने वाले योग की सलाह दी है। सरल भाषा में पेट के बल लेटने को प्रॉनिंग कहते हैं। ये योग खासकर उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जिनके इन्फेक्शन की वजह से फेफड़े खराब हो चुके हैं और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घर रहकर इलाज कर रहे मरीजों के लिए फायदेमंद, पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। प्रॉनिंग से फेफड़ों पर पॉजिटिव प्रेशर बनता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। ये चिकित्सीय रूप से प्रमाणिक तरीका है। पिछले कुछ समय से डॉक्टर भी इसे अपनाने की सलाह दे रहे थे, और अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस तरीके को अपनाने की एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी जारी की है, उसमें ट्रेनिंग कंडीशन ने बोला है कि पेशेंट को आधे आधे घंटे दिन में 5-6 बार अगर पेशेंट लेटे पेट के बल और तेजी से ऑक्सीजन को इनहेल करें और तेजी से उसको छोड़े, तो ऐसा देखा गया है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है। बहुत से पेशेंट हमारे देश में हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनको ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं हो पा रही। अगर वो इस प्रक्रिया को अपनाएं, पेट के बल लेटें और पल्स ऑक्सीमीटर को अपने हाथ में रख लें, यदि उनको ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 90 से कम है, 85 के आसपास है, तो वो पेट के बल लेट करके तेजी से एयर को इंस्पायर करके तेजी से अगर उसको एक्सपायर कर देते हैं, तो आधे घंटे की इस प्रक्रिया को अगर दिन में 5 से 6 बार किया जाए, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल अगर 90 है तो आपका 94 हो जाता है। हालांकि प्रोनिंग के दौरान कुछ चीजों का, खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। खाना खाने के तुरंत बाद प्रोनिंग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही प्रोनिंग करना चाहिए। किसी भी पोजीशन में योग 30 मिनट से ज्यादा ना करें। ज्यादा सख्त तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रॉनिंग की पोजीशन और समय शरीर की क्षमता के मुताबिक ही तय करें। वैसे कई और आसन भी हैं जो कोरोना के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद है। मशहूर योग गुरु धीरज वशिष्ठ के अनुसार भुजंग आसन भी ऐसा आसन है जिसे करने से कोरोना के मरीजों को काफी फायदा पहुंचता है। तो आज एक महत्वपूर्ण आसन समझेंगे, उसके लिए एकमात्र आसन नियमित तौर पर करें। आप अगर कोरोना पीड़ित भी हैं तो भी इस आसन को कर सकते हैं, स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं। पोस्ट कोरोना में भी जरूरी है इस आसन को करना, क्योंकि याद रहे कि कोरोना लंग्स को भी अटैक करता है, और यह आसन आपको लंग्स और हार्ट को मजबूती देगा, थाइमस ग्लैंड को जनरेट करेगा, तो भी आपको पोस्ट कोरोना जो इंपैक्ट है, नुकसान हुआ है, उससे सही होगा। आप देखिए कैसे किया जाए। यह आसन का नाम है भुजंग आसन। भुजंग के यानी सांप, सांप के अंदर जहर होता है। वो जहर किस लिए होता है? वो अपने लिए नहीं होता है, जो बाहर से उसको परेशान करना चाहता है उसके लिए नुकसानदायक
सकता है, खतरा वाला हो सकता है, उसको वो जहर से नष्ट कर देता है। उसी तरह जो ये हमारा टी सेल है, वो टी सेल बाहर का जो डर है यानी कोरोना दूसरे तरह के वायरस, उसके खिलाफ ये जहर कोरोना को तबाह कर देगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझें। और कैसे करें, देखें, लेट जाएं मगर आसन स्थिति में दोनों पांव के बीच में गैप दिए ताकि बैक पे प्रेशर न हो। हथेली को आप छाती के पास रखें, कई लोग कंधे के सामने रख देते हैं, इससे गलत हो जाता है आसन। आपको रखना है हथेली को बगल में। अब एल्बो को बैंड करके अपने शरीर के साथ चिपका लें। अब यहां से आप मस्तिष्क को या चिन्ह को लगा के रख सकते हैं। अब यहां से धीरे धीरे आप सांस लेते हुए अपर बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। ये स्थिति में आकर के आपको पैल्वी को प्रेस करना है, बटक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऊपर देखें या सामने सांस लें, उतना ही उठें जितना आपका शरीर आपको इजाजत देता है। आपको एल्बो को बैंड ही रखना है। गलत होगा जब हम एल्बो को सीधा करके इस तरह से रखते हैं, कई जगह दिखाया जाता है। इसे देखिए मेरे कमर पे वेट आ रहा है, कमर दर्द होगा और हार्ट लंग्स मजबूत नहीं होगा क्योंकि सारा भार मेरे हाथ ले लिया, तो लंग्स हार्ट की ओपनिंग नहीं होगी, मजबूती नहीं होगी। इसलिए गलत प्रोसेस में नहीं जाइएगा। फिर से एक बार देखें, उंगलियां सारी खुली रहेगी तो आप सपोर्ट दे पाएंगे। सांस लेके उठाना है पहली बात ध्यान में रखना है। दूसरी बात, एल्बो बेंड रहे ताकि हार्ट लंग्स पे वेट आए और वो मजबूत हो, मेरा छाती खुल जाए। कंधे को उठा के नहीं रखना है, उसको ड्रॉप कर दें, दृष्टि को सामने या ऊपर रखें और फिर आसन में आने के बाद 4 से 5 सांस या जितना कंफर्ट हो उतना देर रुकें और सांस छोड़ते हुए आप आएंगे और मकर आसन में रेस्ट करें। तो कई ऐसे योग हैं जिन्हें करने से कोरोना के मरीजों को लाभ मिल सकता है। उन्हीं में से एक है फ्रॉनिंग। काफी पुराना और वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित तरीका है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और अब भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करने के बाद ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे लोगों को निश्चित तौर पर इससे फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।